हेलो दोस्तों, नमस्कार। अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, कौन कौन से उसमें शिफ्टिंग होती है। तो मैंने बोला था अगली जिन जिन रिएक्शनों में कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम अगला ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है और उसकी कैसे उसका रीअरेंजमेंट होता है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मेनली होती है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है। एल्कीन या एल्केन्स में ये पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई एल्कीन है, उस पर जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड किसी भी तरह टूट जाएगा। जैसे सेम एल्कीन है, ये तो ब्यूटीन है, टू थ्री डाइमेथिल ब्यूटीन है, ये वाला इधर टूट गया तो ये इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या कहलाएगा, वो कार्बोकैटायन। ई प्लस होगा, जैसे HCl या HBr होता, तो एक तो पॉजिटिव भाग होता और एक कौन सा भाग होता, नेगेटिव भाग होता। हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तब मेनली बात करेंगे, ठीक है, कि क्या होती है कैसे होती है। तो ये जुड़ जाएगा कार्बोकैटायन, इस पर अगले अगले स्टेप में कौन जुड़ जाएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, नेगेटिव चीज होगी वो आगे जुड़ जाएगी। अगर रीअरेंज हो सकता है तो ये रीअरेंज हो जाता है, लेकिन कार्बोकैटायन बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखूं, ये देखो मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, मुझे बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये HBr लिखा हुआ है, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, इस वाले बॉन्ड को इधर तोड़ू तो एक तो एच प्लस है और एक क्या है, बी आर माइनस। अगर इधर तोड़ता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता, और अगर इधर तोड़ता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता। अगर मैंने इधर तोड़ा तो देखना क्या बनेगा, ये दिस, ये और यहां पर कौन जुड़ जाएगा, एच प्लस। पहले कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, एच प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, आप बोल सकते थे सर ये बॉन्ड इधर की तरफ क्यों नहीं टूटा, क्योंकि इधर की तरफ टूटता तो इस पर कैसा चार्ज आता, फिर पॉजिटिव CH2, और इस पे आगे जुड़ जाता है एच, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दो। अरे इस पे आगे जुड़ता जैसे इधर आता तो इधर एच जुड़ जाता, तो यहाँ पे पहले एक ही था हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ऐसे है ये डबल बॉन्ड है, ये तो यहाँ पे एक ही था हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, दो। तो अगर इधर टूटता तो हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाती, तो यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन होते, जब इस पे कितने हैं, तीन और एक एक यहाँ पे, तो ये चार है, इसीलिए बॉन्ड इधर टूटा, क्योंकि इधर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसी है, ज्यादा है, तीन तो इधर हो गए, एक एच प्लस, पहले CH2 था तो CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो चार अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए इस तरफ टूटा। इस पर कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या कार्बोकैटायन का, बना हो सकता है। मुझे पता है अगर किसी रिंग के अगले एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। अगर रिंग के अगले एटम पर अगर 6, 7, 8 अगर आपने पहला भी पिछला वीडियो देखा है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा अगर किसी ब्लैक के अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, हम पहले भी बना चुके हैं, देश देश देश, यही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 तो जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर। इसको देखो खोल के बनाया अपन, कितने कार्बन हो गए इसमें, एक दो तीन चार पांच और छह हो गए, छह का मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी क्या, कुछ इस टाइप। CH3 जुड़ रहा है, उसके अगले एटम पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वही CH3 जहाँ जुड़ रहा है उसके बगल वाले एटम पे कैसा चार्ज लगा दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, आप देखो हो सकता है क्या, क्योंकि इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ होगा और दो यहाँ होंगे। अगर मैं इसमें वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूं, इस तरफ से वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूं, ठीक कर दूं, अगर एच को उधर ले आऊं और पॉजिटिव चार्ज उधर पहुंचा दूं, हो जाती वन टू हाइड्राइड शिफ्टिंग, क्या स्ट्रक्चर बन जाती, ये हाइड्रोजन तो यहाँ के जुड़ जाता और यहाँ के साथ चार्ज आ जाता पॉजिटिव, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है, CH3। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा, इस पे कितने हाइड्रोजन है, दो, दो होते हैं इस वाले कार्बन पे, दो तो बॉन्ड बना रखे, एक इस पे और एक, क्यों एक और होगा ना यहाँ पे, क्योंकि कार्बन चार रोटी खाता है, तो एक एक तो ये आ गया और एक पहले से था, चार बॉन्ड बना था, और सी एक एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन, ये तीन और दो पांच और दो कितने हो गए, सात एल्फा कार्बन हो गए, ठीक है। जबकि यहाँ कितने थे, दो और एक, तीन एल्फा हाइड्रोजन थे, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ शिफ्ट हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ शिफ्ट हो गया, जिसको वन टू हाइड्रेट शिफ्टिंग बोल रहे हैं। तो जो एक्चुअल में जो न्यूक्लियोफाइल होगा Nu- या Br- वो कहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ तो कौन CH3 और यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है, यही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको मिटा दूँ, आप लिख लें, जैसे
मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है रीअरेंजमेंट की वजह से, प्रोडक्ट हम जो सोचते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता, कुछ और ही बनता है। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दो 5 मेंबर वाले बट जुड़ रही हैं, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, 5 मेंबर बड़े जुड़ रही है, वो HBr से रिएक्ट करा रहे हैं इसको, है ना, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, दोनों तरफ सेम कंडीशन है, किसी किसी भी तरह बॉन्ड को तोड़ दो तो H प्लस और एक Br माइनस, मैंने माना इधर बॉन्ड तोड़ा होता है इधर, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बनती? सिंगल बॉन्ड रह जाता, इधर H जुड़ जाता कि नेगेटिव, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव वाला, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता, हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जुड़ जाता ना हाइड्रोजन H प्लस के रूप में, Br अगले स्टेप में जुड़ेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, फिर कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, ये जुड़ गया, यहाँ कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया ना, एक यहाँ के जुड़ गया हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन में नेगेटिव आया ना, रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें, हो सकता है, इस वाली वाले से देखो ये पॉजिटिव चार्ज अगले कार्बन पे गया, रिंग के अगले एटम पे तो है ये पॉजिटिव चार्ज, इस वाली वाले से, इस वाली वाले से, तो क्या हो सकता है इसमें? रिंग एक्सपेंशन, हाइड्रोजन को लिखू चाहे नहीं लिखू तो दिख रहा है मुझे हाइड्रोजन आके जुड़ा है, इस वाला ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर, रिंग एक्सपेंशन ऐसे ही कराया था, दिस दिस दिस, ये ऐसे, ये बॉन्ड तो एक है ही है, एक वाला बॉन्ड एक ये बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ गया, देन क्या ये, देन ये, इसके बाद ये और ये वाला, इस वाले कार्बन पे इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि ये इसने तो, इस वाले ने तो बॉन्ड इधर बना लिया, लेकिन ये बॉन्ड बन गया ना ऐसे, ये याद, लेकिन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी हो सकता है क्या रीअरेंजमेंट? अब देखो इस वाली वाले से, देखो इस वाली वाले से, इस वाली रिंग से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे भी हो सकता है क्या रिंग एक्सपेंशन? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है गुरु, यस हो सकता है, अगर सर ने बताया है कि अगर रिंग के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां, कुछ ही नहीं करना, जैसे दिख रहे वैसे बना दो, ये वाला बॉन्ड एक, देन क्या ये, देन ये, और क्या ये था ही, इसके बाद ये वाला बॉन्ड है ही, ये वाला बना दो, ये वाला बना दो, देन ये वाला बॉन्ड तो है ही, ये वाला यू, ये तो सेम ही है, अब क्या होगा? ये वाला जो ये वाला बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा शिफ्ट, और अगर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, इस वाले ने तो बॉन्ड यहां बना रखा था तो अब यहां बना लिया, लेकिन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाना, कितने कार्बन है देखना, एक दो तीन चार, इसमें चार कार्बन है, एक दो तीन और एक कार्बन यहां पे, चार और दो से ये दोनों रिंग जुड़ रही है, ठीक है, इट मींस ये स्ट्रक्चर बन सकती है क्या? ये वाली तो बनेगी, ये वाली, चार कार्बन हो गए दोनों में, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, और दोनों से ये क्या जुड़ हो रही है? दोनों से जुड़ रही है, इट मींस एक पर तो पॉजिटिव चार्ज है जिससे जुड़ रही है, दोनों रिंग जुड़ रही है ना, इस वाले से एक, तो इस वाले से और एक इस वाले से, और एक पर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मीन जो आएगा बी आर वो कहाँ आके जुड़ेगा? इधर आके जुड़ेगा, तो क्या उत्पाद बन जाएगा? केसर, ये उत्पाद बन जाएगा, ठीक है, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ आके बी आर जुड़ जाएगा, और अरेंजमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल बन ही नहीं सकता, 3 डिग्री कार्बन है ना, यहाँ लगाते तब भी सेम होता, ये स्ट्रक्चर ये है, ये तो समझ आ रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, इसीलिए इसका उत्पाद क्या होगा? ये होगा, कैसे हुआ? हमने ये इसको देख लिया, चाहे तो आप इसको लिख लें, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के, इसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, वही एच प्लस और बी आर माइनस, एल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगी, पहले एच प्लस को जोड़ेगी, इधर इधर सी एस थ्री लगा हुआ है और ये भी क्या लगा हुआ है, सी एस थ्री एल्किल ग्रुप देते हैं, ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा? इधर टूटेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगी? वही सी एस थ्री सी एस थ्री सी सी एस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ पर नेगेटिव आया तो कौन जुड़ जाएगा? एच प्लस, क्या हो गया? सी एस थ्री, यही हुआ कि नहीं हुआ? कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए इस पे? चार, अरे चार ही होंगे, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा और एक एक हाइड्रोजन, इस पे भी होगी, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा और एक हाइड्रोजन, तो चार अल्फा हाइड्रोजन हुए, अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ,
ये वाला बॉन्ड इधर ही क्यों टूटा, क्योंकि इधर से देने वाले जुड़ रहे हैं एल्केल ग्रुप, अगर इधर टूटता तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाती, और ये कौन रहता, इस पर क्या रहता, सी एच टू प्लस, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते, क्योंकि इस पर फिर एच प्लस नहीं आता तो सी एच थ्री में चेंज होता नहीं, अगर ये बॉन्ड इधर टूटता तो ये तो सी एच टू हो जाता नेगेटिव, सी एच माइनस तो एच प्लस होता, तो सी एच टू, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन रहते, सी एच टू प्लस पे दो ही तो रहते, ये सी एच टू में चेंज होता है, एच प्लस यहाँ जुड़ जाता अगर ये बॉन्ड टूटता, जबकि अब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, चार है, तो उस तरह बॉन्ड टूटता जितना अल्फा हाइड्रोजन संख्या कैसी होती है ज्यादा, और वैसे भी देख रहा है सी एच थ्री का कैसा प्रभाव होता है, प्लस आई वाले क्या करते हैं देते हैं, तो इसको उधर कोर्स करेंगे जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें अगर मैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दूं, हाइड्रोजन को अगर मैं यहां ले आऊं लाऊंगा तभी जब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, बन सकता है क्या, देखो CH3 सी, और ये किसमें चल जाएगा, CH2 में CH और कौन CH3, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो, इस कार्बन पे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 8, क्योंकि एक कार्बन पे 3 है, एक पे 3 और एक पे कितने हैं 2, जबकि इस पे कितने थे 4 थे, तो इस साइली स्टेबल बना, इसका मतलब उत्पाद क्या बना, इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, तो CH3 कार्बोकैटायन में आगे कौन जुड़ जाएगा, वो Br- जुड़ जाएगा, इसीलिए ये उत्पाद बन जाएगा, ठीक है, 2-methyl-2-bromo या 2-bromo-2-methyl-butane बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। ये देखो इसकी भी अभिक्रिया करा रहा है आप HBr के साथ करवा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है आपसे क्या उत्पाद बनेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या कर सकते हैं आप, देखो इसमें किस तरफ बॉन्ड को तोड़ोगे आप, देखो खुद ही सोचो, मैं इस बॉन्ड को इधर तोड़ दूं, क्योंकि इस तरफ भी CH3 लगा हुआ है, इस तरफ भी CH3, CH3 वाले क्या करते हैं देते हैं, देंगे तो इधर टूटेगा, और अगर इधर टूटेगा क्योंकि ये फोर्स कर रहे हैं ना इसको प्लस आई प्रभाव है, तो दे रहे हैं इस तरफ, तो इधर तो कैसा चला जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, इस वाले पे, इस पे कैसा आ जाएगा, तो नेगेटिव पे तो कौन जुड़ जाएगा, एच प्लस, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल कंडीशन में तो एच प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ तो दिखाने जरूरत नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कौन जुड़े हुए हैं CH3 और कौन जुड़ा हुआ है CH3, इस कार्बन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, हाइड्रोजन आ गए यहाँ जुड़ गए, यहाँ लिख दी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, Br तभी जुड़ेगा जब अगर कार्बन ओवर स्टेबल बन सकता है कार्बन का टाइम, तो अगले में Br जुड़ेगा, नहीं बन सकता तो फिर उसी में जुड़ जाता है, बन सकता है, रिंग के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो सकता है यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन, अगर रिंग के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर, और अगर इधर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे तो देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगी, आप लोग खुद ही अभी भी बात की थी हम लोगों ने, अभी तो देखा ये वाला बॉन्ड यहाँ से खत्म, ये एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जाके कहां से हो जाएगा, इधर ये वाला बॉन्ड इधर, तो इस वाले कार्बन में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इस वाले इसने बॉन्ड इधर बना, लेकिन इस वाले इफेक्ट पड़ेगा, कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा चले गए, इस पर कौन जुड़े हुए हैं, एक CH3 और एक CH3, इस स्ट्रक्चर को खोल के बनाओ कितने कार्बन हो गए, पहले 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5 और अब कितने हो गए 6, इट मीन 6 का मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप बन गई, ये एक पे तो कौन जुड़े हुए हैं 2 CH3, और उनके अगले कार्बन पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, चाहे तो यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, सेम कंडीशन है, इससे हाइली स्टेबल भी बन सकता है क्या कार्बोकैटायन, क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 1 और 1 2, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 CH3 है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इस पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, अगर मैं क्या करूँ कि CH3 की शिफ्टिंग कर दूँ इधर, 1-2 एल्काइल शिफ्टिंग कर दूँ अगर मैं यहाँ पे, 1-2 एल्काइल की जगह मिथाइल ग्रुप है, 1-2 एल्काइल शिफ्टिंग, तो CH3 इधर आ जाएगा, CH3 इधर आएगा, तो देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहां पर तो CH3 आएगा और CH3 इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किधर पहुंच जाएगा, इधर, क्योंकि जो भी माइग्रेट होता है ग्रुप किस रूप में होता है, नेगेटिव रूप में, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी जगह से शिफ्ट हो जाता है, और यहां कौन जुड़ जाएगा CH3, कितने अल्फा हाइड्रोजन से जुड़, इस पे इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन एल, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, जो पहला बगल बगल वाले कार्बन होते हैं वो पहला अल्फा कार्बन, इस पर कितनी हाइड्रोजन होगी 2, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा, इस पर कितनी है 3, 2, 5, इसने 3 बॉन्ड बना रखा, कितनी हाइड्रोजन होगी 1, कितनी हो गई 3, 2, 5 और 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, जबकि यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे केवल कितनी थी 2 थी, इसीलिए अगले स्टेप में इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकती, अब अगले स्टेप में आगे Br यहाँ पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 आया और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा Br, इसका प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट का ये फर्क होता है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई यहाँ पे इधर, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख लेना, मैं इसमें गचड़ पचड़ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये इधर शिफ्ट होता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आता
और अगर इधर आता तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते, इस पे होते दो तो, और दो इस पे होते तो चार ही तो होते, और एक हाइड्रोजन चला जाता तो एक हाइड्रोजन तो इस पे था और एक और आ जाता और पॉजिटिव चार्ज आता यहाँ पे, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होते, चार। जबकि जब ये मिथाइल शिफ्ट हुआ यहाँ से यहाँ तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, छह। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, छह वाला या चार वाला, छह वाला, इसीलिए मिथाइल शिफ्टिंग हुई, इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता तो बी आर एस पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा, चाहे तो आप इसको लिख लें या देख लें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी कार्बन कैटायन का रिअरेंजमेंट होता है, हमने पहले भी लिखा था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1, SN1 का मतलब जिसमें जो स्लो स्टेप उसमें रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइडों की मुख्य अभिक्रिया होती है। एक जनरल एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे एल्किल हैलाइड RX है, इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में तो X- बाहर निकलता है नेगेटिव के रूप में, तो कार्बन में कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, आर्गन तो कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, तो ये बन जाता है कार्बन कैटायन, अगले स्टेप में दूसरा नाभिक इसने इस पे आके क्या हो जाता है, अटैक कर देता है, तभी इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो बात करेंगे कि एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को उसके मॉलिक्यूल से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित X को हटा के खुद जुड़ गया, तो पहले पद में केवल एक ही मॉलिक्यूल भाग लेता है एल्किल हैलाइड, इसीलिए इसकी जो कोटि होती है वो कितनी होती है, एक होती है, इसलिए SN1, SN का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें भी कार्बन कैटायन बनता है, तो इसका मतलब रिअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देखो, मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास ये, ठीक है, और कोई Nu- का अटैक कराना है मुझे इस पे, है ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये यहां पर CH3 है नहीं, लेके फिर भी सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, सबसे पहले क्या होगा, ये ग्रुप लीव होगा यहां से, L का मतलब मैं लीविंग ग्रुप, L- के रूप में क्या स्ट्रक्चर बनेगी, कार्बन कैटायन बनेगा। आप बोलेंगे सर पहले कार्बन कैटायन बनेगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, देन ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप में निकलेगा इलेक्ट्रॉनों को लेके। इसमें रिअरेंजमेंट हो सकता है क्या, इस पर कितना अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ने वाला, पहला कार्बन अल्फा और उस पर कितनी हाइड्रोजन होगी, एक, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है इस पर, यहां पर एक हाइड्रोजन होगी कि नहीं होगी, ये तो कौन है यहां पर CH3, तो इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन ये CH2 होगा ना, यहाँ पे CH2, तो ये CH2 में से L तो चला गया, तो CH2 पॉजिटिव। अगर अब इससे मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है, और कौन शिफ्ट हो सकता है, हाइड्रोजन, मैंने बोला था एक माइग्रेटरी ऑर्डर लिखाया था, अगर कौन शिफ्टिंग का ऑर्डर, अगर हाइड्रोजन और मिथाइल आएगा तो किसको डोमिनेंस मानेंगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन पहले शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कौन सी शिफ्टिंग कहलाएगी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कहलाएगी, क्यों कहलाएगी, क्योंकि शायद इससे ज्यादा स्थाई कार्बन कैटायन बन जाए, क्या बनेगा देखिएगा आप लोग, ठीक है, देन ये इसको मैं यहां बना देता हूं नीचे स्ट्रक्चर को, क्या ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहां जाकर चली गई तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ गया, ये किस में चेंज हो गया, CH3 में, CH2+ ही तो था ये, एल निकला CH2+ एस चला गया तो CH3, और एक CH3 ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ने वाला, पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा, इस पर भी हाइड्रोजन होगी, कार्बन चार बॉन्ड बना था, तीन बना रखा है और एक हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए रिअरेंजमेंट क्या होगा, ये मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक अल्फा हाइड्रोजन था और यहाँ कौन कितने हो गए, 7 हाइड्रोजन, और अगर मिथाइल में कंपेरिजन करें तो किसको प्रायोरिटी देते हैं, हाइड्रोजन को, माइग्रेटरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपने पहले बात की थी, किसको प्रायोरिटी देते हैं, पहले हाइड्रोजन को, फिर फिनाइल को, फिर मिथाइल को, ठीक है, इसमें कुछ और रिअरेंजमेंट हो सकता है क्या, रिंग के अगले एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अगर रिंग के अगले एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, वही 5 मेंबर, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉन्ड में, ये वाले कहां से हो जाएंगे, इधर इधर से हो जाएंगे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी देख लो, अब तो आप खुद ही कर सकते हैं, जस्ट ये वाला बॉन्ड तो रहेगा नहीं, ये इधर बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा ना, इधर इधर, और इस पर कितने CH3 जुड़े हुए हैं, एक CH3 और 2 CH3, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या है ये 6 मेंबर ही तो बन गई है, 5 तो पहले ही थी, एक कार्बन और आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो एक पे तो 2 CH3 जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3, वही पहले वाली कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक वाली, और उसके अगले एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक पे तो CH3 उसके अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज, टोटल कितने हैं 6 है, इसमें भी और रिअरेंजमेंट हो सकता है क्या, क्योंकि इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो इधर है और इधर कोई हाइड्रोजन है, इससे जुड़ने वाला, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन ये अल्फा और एक ये अल्फा, इस पर तो 4 बॉन्ड बना रखे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 2 है। अगर मैं इस मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दूं, मिथाइल को करेंगे, मैंने पहले भी बात की, अगर हाइड्रोजन को कर दे तो 4 होंगे और मिथाइल को कर देंगे तो इसको बोल देंगे 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग, लिखने की जरूरत नहीं बार बार, क्या हो जाएगा, मिथाइल को कर देंगे तो
यहाँ पर तो एक मिथाइल रह जाएगा, मिथाइल आगे इधर जुड़ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, सी एस थ्री। कितने अल्फा हाइड्रोजन होगा इस पे, इस कार्बन का, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा। इस दिशा में पहला जो कार्बन होता है, प्रत्येक दिशा में जो पहला कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है, पहला अल्फा, पहला अल्फा, पहला अल्फा। इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे, दो। इस पर कितना हाइड्रोजन होगा, एक। अरे तीन बार मारा गया, उस पर कितने, तीन। तीन और दो पांच, और एक। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगले पद में इससे ज्यादा स्थाई बन नहीं सकता, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आके जुड़ जाएगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे इसकी जगह सी एल होता, बी आर होता, न्यूक्लियोफाइल अपन तो एक जनरल एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ये वाला उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट हुआ मिथाइल, इसी इसको किसी शिफ्टिंग बोलेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग। हमने बात की थी कि अभी इससे पहले भी एग्जाम्पल आया था, अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट करते तो एच माइनस जुड़ता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती, पॉजिटिव चार्ज इधर आता तो दो अल्फा हाइड्रोजन इधर और दो इधर, तो चार ही होते। जब मैंने मिथाइल को शिफ्ट किया तो कितने हुए, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हुए। ठीक है, इसीलिए ये वाली शिफ्टिंग इज मोर डोमिनेंट। ठीक है, ये उत्पाद बन के लिख लें इसको। अब हम दोस्तों देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में कैसे कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी होती है, क्या कार्बन कैटायन बनता है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है कोई चीज क्या हो जाती है, विलोपित हो जाती है। ठीक है, एलिमिनेट हो जाती है। जैसे ये एल्कोहल है, इनकी अभिक्रिया क्या सांद्र अम्लों की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एल्कीन बनती है। कभी भी अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती तो वहाँ एल्कीन बनती है। एलिमिनेशन दो टाइप की होती है, तो ई1 और एक ई2, जो एक ही पद में होती है वो ई2, और जो एक से अधिक पद में होती है वो ई1। ई1 का मतलब जो सोलो स्टेप होता है उसमें केवल एक ही क्रियाकारक मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्टेंट भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन को तब हम बात करेंगे अच्छे से। जैसे मेरे पास ये एल्कोहल था, मुझे पता है कि एसिड क्या देते हैं, H+, ये H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेगा और इसको किसमें चेंज कर देगा, OH2 पॉजिटिव में, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पर दे दिए तो किसमें चेंज हो गया, OH2 पॉजिटिव में। ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, H2O को। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या बन गया, कार्बन कैटायन। लास्ट पद में क्या होता है, ये एक जनरल रिएक्शन है एलिमिनेशन की, तो जो स्लो स्टेप होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल भाग रहा है केवल, ये इसीलिए इसकी जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो क्या होती है, वन होती है, इसीलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम पद में क्या होता है, जो H+ हमने एसिड के रूप में लिया था, कैसे कैटलिस्ट के रूप में तो यूज किया था, ये हाइड्रोजन क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और किस रूप में बाहर हो जाता है, H+ के रूप में, और क्या बन जाती है, एल्कीन। तो इसीलिए वापस जो हमने लिया था वो क्या हो गया, बाहर हो गया, एल्कीन बन जाती है और कार्बन कैटायन इसमें बनता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें वही H+ देगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, H+ देगा तो क्या होगा, CH3, H2O से पूरा H+ देता है, CH3, CH और क्या, CH2O, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये H+ देगा और ये किस पर अटैक कर देगा, इस पे, ये किस में चेंज हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव में, OH2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो इसमें से कौन से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O ग्रुप में, ये क्या बनेगा, CH3 और क्या, CH3 देन क्या, CH, और CH2 पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैटायन बन गया। ये कार्बन कैटायन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक। इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा और उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा। अगर इस हाइड्रोजन को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस हाइड्रोजन को अगर इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, CH3 हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये सी, और एक इसमें चेंज हो जाएगा CH3, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा। अब किसी दो सब सेम है, तीनों तीनों CH3 सेम कंडीशन है, कहीं से भी एक H+ को निकाल दो, जैसे मैं इसको लिख देता CH2 और क्या, H अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देता और किस रूप में बाहर हो जाता, H+ के रूप में, जो मैंने एसिड लिया था ना H+ के रूप में, और क्या स्ट्रक्चर बन जाती, CH3 और डबल बॉन्ड क्या, CH2, एल्कीन बन जाती कि नहीं बन जाती। तो इसमें रिअरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका कार्बन कैटायन के रिअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो एक अल्फा हाइड्रोजन था, इस पे तो केवल केवल एक ही अल्फा था, और यहाँ कितने हुए, 9 अल्फा। कैसे हुआ हम लोगों ने देख लिए, और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होकर बढ़िया वाले। देखो इसको लिखो, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एलिमिनेशन रिएक्शन से संबंधित, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत उपयोगी है फॉर नीट और IIT के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सांद्र H2O लिख रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ये कह रहे अपना H+ देगा इसको, और ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, H2O के रूप में। मैं डायरेक्ट लिख दिया, आपका समय बचाने के लिए मैंने लिख दिया, टाइम लगता थोड़ा सा समझाने में, फिर क्योंकि यूट्यूब पे है तो आप भी इस वजह से। H2 निकल गया, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर कुछ हो सकता है, कार्बन कैटायन बन गया किसी रिंग के अगले एटम पर, इस रिंग के तो एटम पे ही है, लेकिन 5 मेंबर के देखो अगले, ऐसे ही तो है 5 मेंबर के, तो अगले एटम पर
सेम कंडीशन है कि नहीं यही वाली। तो जब किसी वाले के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन, ये अपने इलेक्ट्रॉन किधर दे देगी, इधर दे देगी, इधर दे देगी, तो यहां ये बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे ये वाला ये बॉन्ड बन गया। ये इस कार्बन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस वाले पे भी इसने बॉन्ड इधर बना लिया, लेकिन इस वाले पे तो फर्क पड़ेगा ना। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस वाले पे, क्योंकि इस वाले से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए, इस वाले ये वाला जो बॉन्ड था इधर बन गया, तो इस वाले कार्बन ने इस वाले ने तो इधर बना लिया, लेकिन इस वाले से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अब इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो लिखेंगे सिक्स मेंबर, क्योंकि कितने कार्बन, देखो एक दो तीन चार, इसमें भी चार है, एक दो तीन चार, और दोनों से दो ब्लैक क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो वही एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और दोनों से दो वाले जुड़ी हुई, जिसमें एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, ये अपनी इलेक्ट्रॉन इधर दे देगी, और कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और एक्सप्लस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म, और क्या बन जाएगी, एल्कीन। अब आपके मन में क्वेश्चन आता कि सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था कि नहीं था, हाइड्रोजन सर यहाँ क्यों नहीं दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता था, लेकिन मैंने बताया था कि वो एल्कीन ज्यादा स्थायी होती है, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होती है ज्यादा, या जो ब्रांच वाली एल्कीन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है। अगर ये यहाँ दे देता, ये वाला हाइड्रोजन दे देता, देता बगल वाला ही है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता, यहाँ कितनी बार बन जाती, कितनी ब्रांच बनती, एक दो और एक तीन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते, कम होते, जब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो तो इधर होंगे, दो इधर होंगे, दो इधर होंगे और दो इधर होंगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा, प्रत्येक पे दो दो हाइड्रोजन होंगे, दो बॉन्ड बना रखे तो चार अल्फा हाइड्रोजन होंगी। अगर आप इधर तोड़ते बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देने देते और प्लस ग्रुप निकलने देते, तो डबल बॉन्ड इधर बनता है ऐसे, तो दो तो इधर अल्फा हाइड्रोजन हो जाती और दो इधर हो जाती और यहाँ एक भी नहीं होती, तो चार अल्फा हाइड्रोजन तो होती। अगर ये आप यहाँ से निकालते इस हाइड्रोजन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देता तो डबल बॉन्ड यहाँ बनता, इस तरफ देख पा रहे हैं ना, यहाँ बनता डबल बॉन्ड, तो इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, दो अल्फा हाइड्रोजन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन, दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर अल्फा, उस तरफ जुड़ता ही नहीं, क्योंकि उस तरफ के बाद एक ही अल्फा हाइड्रोजन होता, तो कितनी सब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी पर आ रही है, जो ब्रांच वाली एल्कीन होती है, ब्रांच जो हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि उस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कैसी होती है ज्यादा, इसीलिए कौन सा हाइड्रोजन निकला, ये वाला एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा, तो ये वाला निकला। ठीक, ये एग्जाम्पल देखो, वो अल्कोहल दे रखा है, ये एच प्लस देगा, इस पर अटैक करेगा, ये ओ एच टू में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, एच टू, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एच टू इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ओ एच टू पर जब हाइड्रोजन को देगा तो पॉजिटिव आएगा। इस फाइव मेंबर रिंग के अगले एटम पर है क्या पॉजिटिव चार्ज, वही रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा धड़कती से, यही सेम कंडीशन, यहाँ से तो बॉन्ड गया और ये वाला बॉन्ड कहाँ बना लेगा, यहाँ बना लेगा, बना लिया, तो इस वाले कार्बन में इफेक्ट पड़ेगा, हिसाब पड़ेगा, क्यों, इसने तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ बना लिया, इस वाले कार्बन ने, इस वाले से तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इस रिंग के अगले एटम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस रिंग के अगर रिंग के अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर भी क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है, सेम कंडीशन, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये देख पा रहे हो आप अगर, तो ठीक है, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इधर चले गए, उधर बॉन्ड बन गए, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए, तो सारा का सारा सेम है, तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, केवल यहाँ से बॉन्ड हट जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ बन जाएगा, इधर बन जाएगा ना, ये वाला बॉन्ड इधर, इधर से तो बॉन्ड हट जाएगा, इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर यही है क्या, अरे यही तो है, कितने कार्बन है देखो दोनों में, एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार बनाने का तरीका, और दोनों से दोनों वाले जुड़ रही हैं, तो एक दो तीन चार, इसमें भी कितने कार्बन है, इस रिंग में भी चार, और इस रिंग में भी कितने कार्बन है, चार, इसमें भी चार थे, और दोनों से दो जुड़ रही है, और एक पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वही सेम कंडीशन आ गई, कौन से हाइड्रोजन को निकालेंगे, जिस पर जो एल्कीन बनेगी वो कैसी होगी, ज्यादा ब्रांच वाली, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या कैसी होगी, ज्यादा, वो एल्कीन हाईली स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा अतिसंयुग्मन होता है, तो अतिसंयुग्मन स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि वो अनुनादी संरचनाएं बनाता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और कैसा बॉन्ड बना देगा, डबल। अगर मैं मानता कि ये वाला हाइड्रोजन निकलता, जैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूं थोड़ा सा, जैसे ये हाइड्रोजन नहीं निकलता जैसे, और ये वाला यहां पर हाइड्रोजन भी होगा, ये निकलता तो क्या स्ट्रक्चर बनती, ये निकलता और यहां ये स्ट्रक्चर बनती कि नहीं बनती, यही बनती। अब अगर ये स्ट्रक्चर बनती तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आते, डबल बॉन्ड जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, दो हाइड्रोजन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, दो हाइड्रोजन, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन, इस डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, और कितनी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो दो चार और कितनी आई, पांच, लेकिन यहाँ कितनी आई, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला पहले कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये वाला भी अल्फा, सब पे दो दो हाइड्रोजन होंगी, कार्बन ने दो दो बॉन्ड बना रखे, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो दो दो हाइड्रोजन होंगी, कितनी आई अल्फा हाइड्रोजन, आठ, जबकि यहाँ पे कितनी आती, पांच आती है, यहाँ पर ब्रांचिंग कैसी ज्यादा, दो बॉन्ड शाखा इस तरफ निकल रही है, दो ब्रांच इस तरह, जबकि इसमें कितनी ब्रांच है, केवल एक दो और तीन, कैसे भी बात कर लो, जिसमें ज्यादा एल्किन समूह जुड़े होते हैं वो एल्किन कैसी होती है, हाईली स्टेबल, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, देखो
ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या प्रोडक्ट बनने की संभावना है, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो आपको चार ऑप्शन देगा, लेकिन बिना ऑप्शन के देखिए, ये एच प्लस देगा, सांद्र एच टू एसओ फोर है तो एच प्लस, ये इस पर अटैक करेगा और इसको किसमें चेंज कर देगा, ओ एच टू प्लस में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, एच टू ओ, एच टू बाहर निकल जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखना। इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप देखना चाहें तो, इससे जुड़ने वाली पहली कार्बन अल्फा, यहां पर कौन है सी एस थ्री, कौन है सी एस थ्री, और यहां पर भी कौन है सी एस थ्री, यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे, दो, इसका इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है इस पर, क्योंकि इस पर तो कोई हाइड्रोजन होगा नहीं, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, इस पर तो तीन चार बॉन्ड बना के कार्बन कोई होगा नहीं, लेकिन सी एस थ्री को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, एल का शिफ्टिंग कर दूं, तो अगर एल का शिफ्टिंग कर दूंगा देखना क्या स्ट्रक्चर बनेगी, इधर डबल बॉन्ड था इसमें, ये ठीक है, यहाँ सी एस थ्री जोड़ दूँ मैं यहाँ पर, देन ये, और इस पर कितने सी एस थ्री जुड़ जाएंगे, दो सी एस थ्री जुड़ जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, क्योंकि सी एस थ्री आया नेगेटिव रूप में, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तीन तीन छः और एक सात, इससे जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा और पहला कार्बन अल्फा, इस पर एक हाइड्रोजन होगी, तीन दो बॉन्ड बना रखे हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सात अल्फा हाइड्रोजन, जब यहाँ कितने थे दो, इसीलिए एल्काइल शिफ्टिंग यहाँ पर हो गई, कौन सी शिफ्टिंग हो गई, वन टू एल्काइल शिफ्टिंग, वन टू मिथाइल, अगर एल्काइल में मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल शिफ्टिंग हम इसको बोल सकते हैं, नहीं यहाँ पे आ गई तो वन नंबर और टू नंबर, तो यहाँ पर सात अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे स्ट्रक्चर को देखना एक बार, देखो एक दो तीन चार, कितने कार्बन है, एक दो तीन और चार, ठीक है। चौथे नंबर वाले पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर कितने सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं, दो सी एस थ्री ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है, एक सी एस थ्री, इससे पहले वाले पे एक दो तीन चार, तो इस रिंग से एक दो तीन चार, यहाँ कैसा बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ, ये स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड ऐसी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देते डबल बॉन्ड, ये यहाँ कैसा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल, क्या स्ट्रक्चर बनेगी देखिएगा, ये यहाँ तो पहले ही था, ये यहाँ पे ये तो पहले से ही था, ये यहाँ पर भी कैसा बॉन्ड बन जाएगा, अब सिंगल, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, एक सी एस थ्री, और यहाँ पर कितने सी एस थ्री जुड़े हुए हैं, कितने सी एस थ्री जुड़े हैं, दो, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए, इस तरफ गए इस वाले कार्बन की तरफ, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, इधर दे देगी, और एच प्लस के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर, और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा, ये क्या क्या यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, और यहाँ पर कितने सी एस थ्री, दो, और यहाँ पर कितना सी एस थ्री, एक, कैसे बना देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये वाली जो स्ट्रक्चर थी मैंने इसको ऐसी तो इसको रीअरेंज कर दिया, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, पॉजिटिव कार्बन कटायन या मिथाइल शिफ्टिंग हुई, जिससे हाईली स्टेबल कार्बन कटायन बना, क्योंकि इसमें सात अल्फा हाइड्रोजन, इस पर कितने दो, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसको इस जो रिएक्शन दे रखे, इसका उत्पाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच प्लस के रूप में हाइड्रोजन क्या हो गई यहाँ पर बाहर हो गई, क्योंकि मैंने एच2ओ फोर की क्या ली थी, प्रेजेंस ली थी, तो ये वाला उत्पाद इसमें बन जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या बात की, जिनमें भी जिन रिएक्शनों में भी कार्बन कटायन बनता है, तो उसकी रीअरेंजमेंट से जो रीअरेंजमेंट उसमें होता है, उससे प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होती है, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं इतना तो नहीं जानता कि आप कितना सीख पा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको बड़ी हेल्प होगी, और मैं समझता हूँ इससे बड़ी हेल्प कुछ हो ही नहीं सकती, आपको लगेगा कि अरे तो बहुत नॉर्मल है, मैं इससे थोड़ा आपको ऊपर लेवल, अगर आप नीट का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि सर तो आराम से हो रहे हैं, तो इसको एक बार रेगुलर पढ़िए, जो क्लास है इसको, जैसे अभी कार्बन कटायन की क्लास है, तो तीनों क्लासों को रेगुलर पढ़िए, पहले फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं, पहले कार्बन कटायन के बारे में जानिए, स्टेबिलिटी के बारे में जानिए, फिर इसको पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन करिए जो आपकी सीट वगैरह होती है, जो आप नेट से डाउनलोड करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। खुश रहिए, थैंक्स अलॉट, जय हिंद।